सो हेलो गाइस, स्वागत है आपके हमारे चैनल में जिसका नाम द बी स्पोर्ट्स। आज हम बात करेंगे फुटबॉल और क्रिकेट दोनों से रिलेटेड कुछ न्यूज। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो न्यूज आ रहा है वो ईस्ट बंगाल को लेके। तो ईस्ट बंगाल ऑफिशियली आईएसएल में आ चुके हैं एंड ये कल मैंने इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट कर दिया था एंड मैं ये छोटे छोटे अपडेट्स इंस्टाग्राम में पहले पोस्ट कर देता हूं, तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। एंड हां, ऑफिशियली ईस्ट बंगाल को आईएसएल में एंट्री मिल चुका है। सो देखते हैं इस साल ईस्ट बंगाल का परफॉर्मेंस आईएसएल में कैसा रहता है एंड इस साल आईएसएल में डर्बी भी देखने को मिलेगा। सो डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं एंड आप एक्साइटेड हो या नहीं नीचे कमेंट करके बताइए। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो ईस्ट बंगाल को लेके। तो रेनेडी सिंह ईस्ट बंगाल के असिस्टेंट कोच बन सकते हैं, गोल्ड.com ने कंफर्म किया। गोल्ड.com ने ये भी कंफर्म किया कि रॉबी फोलर बनेंगे ईस्ट बंगाल के कोच। बट जितना रिपोर्ट है कि रॉबी फोलर का इंटरव्यू है आज एंड रॉबी फोलर को ही टारगेट कर रहे ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल चाहते हैं कि रॉबी फोलर ईस्ट बंगाल में एज अ कोच आए। बट हाँ, रेनेडी सिंह जो कि काफी बढ़िया इंडियन प्लेयर थे, इंडिया के फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं इंटरनेशनल टीम के, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर थे। तो देखते हैं इस साल रेनेडी सिंह ईस्ट बंगाल में आते तो टीम में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा हम लोग को। सो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है केरला ब्लास्टर्स एफसी की तरफ से। तो केरला ब्लास्टर्स एफसी बात कर रहे डेरिक ओसेडे के साथ, ये बस र्यूमर है। एंड डेरिक ओसेडे जो कि 27 ईयर ओल्ड सेंट्रल बैक पोजीशन के प्लेयर है, उनका लास्ट क्लब था सीडी नुमानसिया। उनका परफॉर्मेंस अच्छा है एंड उन्होंने बॉल्टन में भी खेला है एंड रियल मदद के सी टीम में भी खेला है। सो डेफिनेटली काफी बढ़िया प्लेयर है डेरिक ओसेडे एंड उनका लास्ट सीजन का परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया था। सो देखते हैं कि क्या डेरिक ओसेडे केरला ब्लास्टर्स एफसी में आते या नहीं। एंड डेफिनेटली केरला ब्लास्टर्स एफसी अपने डिफेंस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने का और ज्यादा ट्राई करा, क्योंकि संदीप जिंगन तो एटी के मोनमान में जा चुका है एंड और कोई डिफेंडर उतना अच्छा है नहीं। तो डेफिनेटली डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा एंड डेरिक ओसेडे एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होंगे केरला ब्लास्टर्स एफसी के लिए। सो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी बात कर रहे हैं बेंजामिन लैम्बोट के साथ। तो बेंजामिन लैम्बोट जो कि 33 ईयर ओल्ड डिफेंडर है, मतलब सेंट्रल बैक पोजीशन के प्लेयर है, उन्होंने मेनली बेल्जियम में ही खेला है, वो एक बेल्जियम प्लेयर है एंड उन्होंने बेल्जियम लीग में ही ज्यादा खेला है। सो अच्छा प्लेयर है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है बेंजामिन लैम्बोट के पास एंड लास्ट सीजन उनका परफॉर्मेंस एवरेज था, बट लास्ट सीजन से पहले ठीक ठाक परफॉर्मेंस था। बट एक्सपीरियंस काफी है एंड इंडियन सर्किट में अगर वो खेलेंगे तो डेफिनेटली उनका परफॉर्मेंस और ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उन्होंने काफी हाई लेवल्स में खेला है। बेल्जियम लीग शायद उतना कुछ सुनने में बड़ा ना लगे, बट फिर भी एक अच्छा खासा लीग है बेल्जियम लीग। सो डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि क्या बेंजामिन लैम्बोट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में आते या नहीं। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करके बताइए। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है जमशेदपुर एफसी की तरफ से। तो जमशेदपुर एफसी बात करें कोस्ता बेरबारूसिस के साथ। तो मुझे पता है मैं थोड़ा सा अटक गया, बट हैव कोस्ता बेरबारूसिस यही उनका नाम है एंड ये एक न्यूजीलैंड के प्लेयर है। इनका एज है 31, सेंट्रल फोर्थ पोजीशन के प्लेयर है। इनका लास्ट सीजन का परफॉर्मेंस, इन्होंने 26 मैचेस खेले, 8 गोल्स किए हैं, 6 असिस्ट, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। एंड उनका लास्ट क्लब था सिडनी एफसी, बट इन्होंने मेलबोर्न में भी खेला है, वेलिंगटन फिलिक्स में भी खेला है एंड ब्रिस्बेन रॉयल में भी खेला है। सो डेफिनेटली काफी बढ़िया प्लेयर है कोस्ता बेरबारूसा। सो डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि क्या ये जमशेदपुर एफसी में आते या नहीं एंड डेफिनेटली ये साइनिंग जमशेदपुर एफसी के लिए काफी बढ़िया साइनिंग होगा। ऑलरेडी निर्जेस वाल्सकिस है जमशेदपुर एफसी में एंड कोस्ता बेरबारूसा भी अगर आ जाते हैं जमशेदपुर एफसी में तो डेफिनेटली काफी बढ़िया चीज होगा जमशेदपुर एफसी के लिए। अब देखते हैं ये साइनिंग कब तक कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है एफसी गोवा की तरफ से। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि कौन होगा एफसी गोवा का सेवंथ फॉरेन प्लेयर, क्या एफसी गोवा कोई सेवंथ फॉरेन प्लेयर अपनी टीम में शामिल करेंगे। तो जितना मेरे पास रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया है कि एफसी गोवा के पास 6 ही फॉरेन प्लेयर्स होंगे। एफसी गोवा 6 फॉरेन प्लेयर्स के साथ ही कंटिन्यू करेंगे ये पूरा आईएसएल का सीजन एंड ये भी पहला सीजन नहीं है जिसमें एफसी गोवा 6 फॉरेन प्लेयर्स के साथ खेल रहे। इससे पहला वाला सीजन भी वही था, एफसी गोवा के पास 6 फॉरेन प्लेयर्स ही थे। सो कोई सेवंथ फॉरेन प्लेयर अभी तक तो जितना रिपोर्ट है नहीं आएगा। एफसी गोवा में 6 ही फॉरेन प्लेयर्स होंगे एंड वो 6 फॉरेन प्लेयर्स आपको पता है कौन कौन है। एंड हादी मोहम्मदी को लेके भी बहुत सारा सवाल था, क्या हुआ हादी मोहम्मदी, इतना ज्यादा कंफर्म था खेलना, उन्होंने भी कंफर्म किया था। तो जितना मुझे लगता है कि हादी मोहम्मदी का बात हाँ एकदम फाइनल स्टेज में था, बट फाइनल स्टेज में जाके शायद हादी मोहम्मदी के साथ कुछ फाइनल टर्म्स दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ एंड इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है हादी मोहम्मदी ने। बट डेफिनेटली ये तो कंफर्म था कि हादी मोहम्मदी के साथ एफसी गोवा काफी ज्यादा मतलब एकदम लास्ट फाइनल स्टेज में बात कर रहे थे। बट कोई बात नहीं, एफसी गोवा के पास अभी जो टीम मतलब जितने फॉरेन प्लेयर्स है वो भी काफी बढ़िया बढ़िया फॉरेन प्लेयर्स है एंड लास्ट जो डिफेंडर एफसी गोवा ने खरीदा है वो भी काफी बढ़िया डिफेंडर खरीदा है एफसी गोवा ने। तो देखते इस साल एफसी गोवा का परफॉर्मेंस कैसा होगा। और हाँ, एफसी गोवा कोई सेवंथ फॉरेन प्लेयर नहीं खरीदेगा एज पर द रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया से जितना पता चला है मुझे। सो देखते कि क्या होता है इस साल एंड
मुझे लगता है 6 ही फॉरेन प्लेयर्स होंगे, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट है वो इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल आज बायर्न म्यूनिक, तो बायर्न मतलब ये नॉर्मली मैं ऐसे न्यूज कवर नहीं करता, पर मैंने सोचा कवर कर लूं कि बायर्न म्यूनिक 295 डेज बाद अपना पहला मैच हारा है एंड टीएसजी हॉफेनहाइम के साथ 4-1 से हार गए। बायर्न म्यूनिक बुंडेसलीगा का मैच था, मतलब 24 मैचेस के बाद बायर्न म्यूनिक को फर्स्ट डिफीट मिला एंड मतलब ये काफी एक लॉन्ग होता है लॉन्ग रन, 24 मैचेस तक अनबीटन रहने अपने आप में काफी बड़ा बात होता है। डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं कि बायर्न म्यूनिख एक कमजोर टीम हो गया एक मैच हार के, होता है कभी कभी, हर मैच जीतना पॉसिबल नहीं है एंड डेफिनेटली काफी बढ़िया मैच था, मैंने देखा है वो मैच का हाईलाइट, अगर आप भी चाहो तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। बट हाँ, ये विनिंग स्ट्रीक बायर्न म्यूनिख का टूट गया है इसीलिए मैंने ये न्यूज कवर किया। नेक्स्ट न्यूज आ रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्टेड है एंगोलो कांते के ऊपर एंड चेल्सी भी कांते को छोड़ देना चाहते क्योंकि कांते का जो एज है वो धीरे धीरे 29 ईयर्स ऑफ एज उनका हो चुका है एंड चेल्सी नहीं रखना चाहते कांते को। बट आई थिंक कि अभी कांते जैसे प्लेयर का बहुत ज्यादा जरूरत है चेल्सी को क्योंकि लास्ट मैच अगर हम लोग देखें वेस्ट ब्रॉन वर्सेस चेल्सी, उसमें ऑलमोस्ट चेल्सी हार ही गए थे, फर्स्ट हाफ में 3-0 था। सो एंड थियागो सिल्वा का मतलब परफॉर्मेंस उतना कुछ ज्यादा अच्छा है नहीं, थियागो सिल्वा का परफॉर्मेंस, तो डेफिनेटली डिफेंस काफी वीक है एंड इस हालत में कांते जैसे प्लेयर्स को भी अगर चेल्सी छोड़ देते तो डिफेंस और ज्यादा वीक हो जाएगा क्योंकि कांते डिफेंस अटैक मिडफील्ड सब संभाल लेते हैं अकेले ही एंड इसी की वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कांते के ऊपर एंड चेल्सी भी बेच देना चाहते हैं। तो डेफिनेटली काफी बढ़िया साइनिंग होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, कांते जो कि एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर है, सेंट्रल मिडफील्ड में भी खेल सकते हैं, 29 ईयर्स ऑफ एज उनका एंड देखते हैं कि क्या कांते मैनचेस्टर यूनाइटेड में आते हैं नहीं, आप क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट विचार है प्रीमियर लीग को लेकर, तो कल था प्रीमियर लीग का मैच एंड कल का मैच बोलने से पहले कल मैंने बोला था कि लेस्टर सिटी ने आर्सेनल को 2-0 से हराया है, उसके लिए सॉरी, एक्चुअली आर्सेनल ने लेस्टर सिटी को 2-0 से हराया था, मैंने वो गलती से बोल दिया था, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। बट हाँ, कल लेस्टर सिटी ने 5-2 से जीत गया है वो मैच, मैंने बोला था कि 2-2 हो सकता है एंड लेस्टर सिटी एक अपर हैंड रखते थोड़ा स्लाइट, बट लेस्टर सिटी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया, बहुत ही बढ़िया टीम वर्क दिखाया लेस्टर सिटी ने। मैनचेस्टर सिटी का परफॉर्मेंस अच्छा था बट बहुत अच्छा नहीं था, एवरेज परफॉर्मेंस एंड प्रीमियर लीग के मैचेस में अगर आप एवरेज परफॉर्मेंस दोगे तो यही आपको रिजल्ट मिलेगा। 3-3 पेनल्टीज मिले लेस्टर सिटी को, तीनों ही लेजिट पेनल्टीज थे, मतलब ऐसा नहीं कि रेफरी ने कोई गलत डिसीजन लिया एंड अभी वीएआर का टाइम है तो कोई गलत डिसीजन हो भी नहीं सकता। तो डेफिनेटली काफी बढ़िया मैच था, मैनचेस्टर सिटी के साइड काफी थोड़ा सा वीक लग रहा है, डिफेंस काफी मतलब उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है एंड अटैक में भी देखे तो बॉल बहुत बाहर बाहर से आ रहे, ऑल आउट अटैक में जाना चाहिए था जो मैनचेस्टर सिटी को, ऑल आउट अटैक कभी ठीक से दिखाई नहीं। बट हाँ, मैच काफी बढ़िया था, लेस्टर सिटी की तरफ से काफी बढ़िया परफॉर्मेंस, देखते हैं क्या लेस्टर सिटी फिर से प्रीमियर लीग जीत पाते हैं, मैं पता हूं बहुत जल्दी प्रेडिक्शन कर रहा हूं बट देखते क्या होता, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। सो आज का जो मैच है वो लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल, काफी बढ़िया मैच होगा क्योंकि आर्सेनल का रिसेंट परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, लिवरपूल डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है एंड लिवरपूल का भी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, सो मुझे लगता है लिवरपूल स्लाइटली एक अपर हैंड रखते, शायद ये मैच का स्कोर 3-1 हो, शायद आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। सो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है आईपीएल को लेके, सो आईपीएल में कल मैच था राजस्थान रॉयल्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब एंड कल एक ऐसा रन चेज हो गया आईपीएल हिस्ट्री में कभी भी उतना ज्यादा रन चेज नहीं हुआ, किंग्स 11 पंजाब ने पहले बैटिंग किया एंड बैटिंग में किंग्स 11 पंजाब के साइड से केएल राहुल एंड मयंक अग्रवाल ने बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेला एंड उसके बाद किसी को खेलने का जरूरत ही नहीं था, 16-17 ओवर्स तक तो वही थे एंड अगर हम लोग राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग का बात करें तो राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग में स्टीव स्मिथ ने काफी बढ़िया बैटिंग किया, संजू सैमसन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेला एंड लास्ट में राहुल तेवतिया ने जो इनिंग्स खेला वही था मैच विनिंग इनिंग्स क्योंकि किसी को लगा नहीं था कि एक ओवर में 30 रन मारेंगे राहुल तेवतिया शेल्डन कॉटरेल को, तो काफी बढ़िया मैच था, काफी एंटरटेनिंग मैच था कल का एंड राजस्थान रॉयल्स वो मैच जीत गए एंड चेस कर दिया सबसे ज्यादा रन आईपीएल में, डेफिनेटली काफी बढ़िया मैच था। बॉलिंग साइड से दोनों ही टीम्स का उतना कोई अच्छा बॉलिंग साइड में था नहीं, मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिया है बट 53 रन कंसीड किए, तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा रन खाया है मोहम्मद शमी ने, तो उतना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस मैं नहीं बोलूंगा बॉलर के साइड से, शारजा का स्टेडियम है छोटा सा स्टेडियम, अगर कोई मतलब ठीक से थोड़ा सा भी अगर जोर से बैट में लग गया तो वैसे भी वो अच्छे है, तो इसी वैसे शारजा का स्टेडियम में थोड़ा सा इजी हो जाता है बैट्समैन के लिए ज्यादा रन बनाना, बट हाँ मैच काफी बढ़िया था एंड राजस्थान रॉयल्स ने वो मैच जीत गए। तो आज का जो मैच है वो आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस जो कि काफी बढ़िया टीम है एंड आरसीबी भी काफी अच्छी टीम है बट आरसीबी का जो बॉलिंग है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आरसीबी के बॉलिंग में कोई ज्यादा प्लेयर है नहीं, चाहल और अगर हम लोग नवदीप सैनी को छोड़ दे तो बॉलिंग अटैक पूरा एम्प्टी है एंड मुंबई इंडियंस के साइड में देखे तो मुंबई इंडियंस का जो बॉलिंग अटैक है वो काफी बढ़िया बॉलिंग अटैक है एंड आरसीबी का बैटिंग भी उतना ज्यादा अच्छा लगा नहीं, लास्ट मैच में आरसीबी का परफॉर्मेंस अच्छा था नहीं, बट हाँ एक मैच देख के जज करना भी सही नहीं होगा,
पॉडकास्ट, हम लोग को वेट करना है कि इस मैच में आरसीबी कैसा परफॉर्म करते हैं, बट आई थिंक मुंबई इंडियंस एक अपर हैंड रखते हैं, सो देखते हैं क्या ये मैच मुंबई इंडियंस जीतते या नहीं। सो बस गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलेगा, एंड कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।